मुंह पे इन्होंने कपड़ा क्यों बांधा हुआ है? तुझे सोना दिखाया वो काफी है ना, उनका चेहरा देखकर क्या करोगे? ये लोग तो पूरे गुंडे दिखाई दे रहे हैं। देख क्या रहे हो? बैग दे दो। ये धोखा है, धोखा! अरे ये तो सादा बिस्किट है। ओके बॉस कहीं के? तुम्हारे नकाबों से ही मुझे डाउट हो गया था। चुपचाप पैसा वापस कर दो वरना सबको शूट कर दूंगा। भाई उसके हाथ में गन है, चलो दे देते हैं। सर नहीं सर, पैसे दे देते हैं। दे इधर। चलो। ए, चलो सब। ए, चलो। अच्छा नसीब है, मैं तो डर ही गई थी कि क्या होगा। इलीगल बिजनेस में ये सब चीजें बहुत मामूली होती है जानू। ये लोग धोखेबाज होते हैं, इसीलिए मैं अपने साथ गन लेकर गया। सामने देखो। ओए, ये क्या है यार, यहाँ पर तो कोई चिड़िया भी नजर नहीं आ रही है। आएंगे आएंगे, बस आप पैसा रेडी रखो। ओए, मेरे पास कैश तो पक्का है, लेकिन तुम्हारा गोल्ड आइटम तो पक्का है ना? हाँ? मैं जो भी डील करता हूँ वो प्योर गोल्ड का करता हूँ। जब वो ला कर देंगे तभी टेस्ट कर लेना। अरे टेस्ट क्या करना है, वो कोई खाने की चीज है क्या? फोकट का दिमाग मत खा, पसंद नहीं हो तो बिजनेस मत कर, चलता बन। अरे भाई तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? वैसे तुम्हारी पार्टी किस तरफ से आने वाली है? हा? वो सब मुझे नहीं पता, फोन पर डीलिंग करता हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना मैं सिर्फ एक मीडिएटर हूँ। हाँ वो आ रहे हैं। ये क्या है, ये सब मुंह पर मास्क क्यों लगा कर आ रहे हैं यहाँ पर? तुम्हें तो गोल्ड चाहिए ना, उनका चेहरा देखकर क्या करोगे? भाई बिस्किट है। बिस्किट के बदले बिस्किट नहीं देंगे तो और क्या देंगे? Hey, तू किधर जा रहा है? पेपर सीना, यू आर अंडर अरेस्ट। चुपचाप यहीं पर बैठ जा। उठो, कोई नौटंकी नहीं चलेगी, समझ गया? चुपचाप रह, चुप रह। बुलेट नहीं है इसमें, वापस दे दे, वापस दे, बोला ना यही शूट कर दूंगा। गोली मत मार, गोली मत मार।
अरे यार ये क्या अगर ये पसीना फैक्ट्री में निकालते तो 5,000 रुपए सैलरी मिलती, यहाँ पे बहा के 500 रुपए उल्टे दे रहे हो क्यों? देखो भाई, हाँ। सभी लोगों को पैसों के पीछे भागना नहीं चाहिए। हाँ। शर्ट निकालकर एक बार आईने के सामने रुक कर देख लो। हाँ। मेरे में और तुम में जो डिफरेंस है वो दिखाई देगा। हाँ। तुम्हारे चेस्ट देख कर बच्चे भाग कर आएंगे और दूध पी लेंगे। और मेरे चेस्ट देखो कैसे हैं। वैसे भाग के आकर पसीने का पानी पी लेंगे क्या बे? तीन टाइम खाना खाने के लिए दिमाग चाहिए, बॉडी नहीं। पहले वो बढ़ा ले। कॉलेज का टाइम हो गया, चलेगा नहीं क्या? सोच क्या रहा है, शुरू कर। खा लो खा लो। वो तो रहेगा ही। और थोड़ा मक्खन दो बेटा। बस मम्मी। अरे तेरी माँ भी तो आराम से खा खा खा। जब मैं स्कूल जाता था तो मेरी मम्मी राइस के बचे हुए पानी में अचार डाल के देती थी मुझे। ये मक्खन वक्खन तो मैंने कभी सूंघा भी नहीं था। इसलिए तो डेली आपको ऑफिस में जाना पड़ता है और सैल्यूट मारकर बकेट पकड़ कर खड़ा रहना पड़ता है। हमारी तरह विटामिन के फल खाए होते तो आईएएस या एएस बन चुके होते, या फिर पूरे स्टेट के बहुत बड़े आदमी बनकर नोट गिन रहे होते। तू जो खा रहा ना विटामिन ए बी सी डी ई एफ जी एच, तू क्या करेगा मैं भी देखता हूँ। डैडी जी, आपने क्यों नहीं करोड़ों की इच्छा की थी? मेरा जो एम है ना, वो हमारे राज्य के करोड़ों लोगों का दिल जीतना है, करोड़ों रुपए जीतना नहीं। डोसा खा ले, करोड़ जीत जाएगा। इसे ठीक से खाने दीजिए, आपकी नजर लग गई है इसलिए ये पतला हो गया है। बेटा, और डोसा लेकर आऊं क्या? नहीं मां, बस हो गया। एक और खा ले। नहीं चाहिए, अच्छी बात है। डोसा लेकर आओ, मेरा नंबर आ गया। आप वहाँ फैक्ट्री की कैंटीन में खा लीजिएगा, आटा खत्म हो गया है। मेरे नसीब में फैक्ट्री का ही खाना लिखा है। तुझे तो मैं आज शाम को बताऊंगा। चल ठीक है, चलिए, रोज का यही आपका। डैडी जी, जब भी हम कॉलेज जाते थे, वो गवर्नमेंट का कॉलेज था, 7 किलोमीटर चल के जाते थे, पहनने के लिए हवाई चप्पल भी नहीं थी, और तुम्हें देखो कितनी फैसिलिटी करके दी है मैंने। ऐसा बोल रहे हो जैसे कि आपने मुझे पल्सर बाइक दिलाई है। दम लगा कर ये साइकिल चलाने के बाद चैन निकल जाती है और सारे पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं। फैक्ट्री आ गई है, चलो जाओ। हाय दोस्तों। हे हाय, बैठ जा। क्यों भाई, कैंपस में बैठकर किसी प्रिंसेस का वेट कर रहे हो क्या? बस वैसा ही समझ ले यार। आज कौन सा स्पेशल डे है पता नहीं है क्या तुझे? कौन सा डे? वैलेंटाइंस डे है यार, इसीलिए पूरा कॉलेज खाली पड़ा है। सारे लड़के बार और पब में लड़कियों के साथ अंदर घुस गए हैं। फिर तुम्हें लड़कियां क्यों नहीं मिली? आजकल बिना पैसे की कहां लड़की मिलती है यार, पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जिधर भी देखो ड्रॉप करना पड़ता है, सारे कार्ड्स निकालने पड़ते हैं, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। इतना सब करने के बावजूद बेवजह धोखा दे देती हैं, झूठी कहीं की। सच्चाई तो ये है कि अब इस दुनिया में अच्छे दिल वाली लड़कियां भगवान ने बनानी बंद ही कर दी है दोस्त। रॉन्ग स्टेटमेंट, लड़कियों का दिल ऑलवेज क्लीन रहता है क्योंकि वर्ल्ड हर वक्त बदलती रहती है यार। यू आर राइट यार, आई लाइक यू। वैसे तू लड़कियों के बारे में इतना सब कुछ जानता है तो फिर तू सिंगल क्यों है यार?
यार मुझे सिंगल रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन तेरी तरह फ्लर्ट करना भी तो पसंद नहीं है। तो फिर प्यार करना चाहता है? मत कर यार, सिंगल रह के आराम से जिंदगी के मजे ले ले, लव के पीछे गया ना तो जिंदगी बर्बाद। देखिए यार, मुझे लड़की मिली और मैंने लव किया तो बहुत तगड़ा लव करूंगा। मेरी लवर तुम लोगों की तरह तो बिल्कुल नहीं होगी। तो फिर कैसी होगी तेरी लवर यार? ये सुनना यार, लड़कियां देख, रेडी है क्या भाई? बोल। मैं तो रेडी हूँ यार। हाँ रेडी हूँ, स्टार्ट। हाय डैड। हाय, कहाँ जा रही हो तुम? मंदिर जा रही हूँ डैड। घर में जो भगवान रहते हैं उनको तो तुमने कभी दिया नहीं दिखाया। फ्रेंड्स ने प्लान बनाया है इसलिए जा रही हूँ मैं। बॉयफ्रेंड्स क्या? गर्लफ्रेंड्स डैड। आज वैलेंटाइन डे है ना? ऐसा क्या? I don't know, Dad. अगस्त 15 कौन सा दिन है ये शायद पता ना हो तुम्हें, लेकिन फरवरी 14 कौन सा दिन है ये तो छोटी क्लास के बच्चे भी जानते हैं। किसी के साथ मैंने अगर देखा तो काट दूंगा तुम्हें। जाओ। थैंक यू डैड, मैं जाऊं? जाओ। थैंक गॉड। आप कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं प्रदीप। इतने स्ट्रिक्ट रहेंगे तो वो गलत रास्ते पर चली जाएगी। उसे थोड़ा फ्री रखिए। तुम्हें कुछ पता नहीं है, अकेली लड़की है, बहुत सारी दौलत है, ये सोचकर नालायक लड़के ऐसी लड़की को पटाकर अपनी लाइफ सेट करते हैं। आपने भी तो यही किया था ना? व्हाट? नथिंग। क्या यार, मैंने सुना तू पूरी रात उल्टी कर रहा था। ए बिड़ो, उधर देखने का क्या पटाखा है बिड़ो। ऐसा लग रहा है जैसे बाहर में तूफान आ गया यार। बाबा चाल तो देखो, सुनामी बाबा सुनामी। हेलो, क्या चाहिए? वन बॉटल ड्रिंक प्लीज। हाँ, तुम्हें पता नहीं है हा? मैं यहाँ किस लिए आई हूँ? क्यों आई हो? कुमार कहाँ है? वहाँ ऊपर आ जाओ। ओके थैंक यू। यहाँ नशा के अलावा कुछ नहीं मिलता है। Hey, shut up. Ouch. कहाँ गया, दिखाई नहीं दे रहा। इधर है कुमार। क्या सोना डार्लिंग, आ जा बैठ जा मेरे साथ। अचानक एंट्री मारी है तूने, मैटर क्या है? आज कौन सा दिन है तुझे पता है? खजूर? क्या एलकेजी के बच्चों की तरह पूछ रही है? कल संडे था, आज मंडे है, कल ट्यूसडे होगा है? चप्पल से मारूंगी कमीना कहीं का। आज वैलेंटाइंस डे है, तेरे जैसे गुंडे को ये सब कैसे पता होगा ना? तुझे विश करने के लिए पता है मैंने तुझे सुबह से कितने कॉल्स किए, उठा क्यों नहीं रहा था? काम जास्ती था रे, वर्कलोड समझती है ना। ओहो, सॉफ्टवेयर वर्कलोड था। काई को गुस्सा कर रही है डार्लिंग, तू बता क्या क्या उठाना है, सब उठा दूंगा। मुझे टच मत करो,
मुझ पर लड़के मरते नहीं ऐसा समझते हो? रात को मेरे घर पर आकर देख, महंगी महंगी कारों में लड़के मेरे घर के चक्कर लगाते हैं। चाहे कितनी बड़ी कार क्यों ना हो, चलती तो हमारी तरह लोकल रोड पे ही है ना। तू बहुत बड़ा गुंडा है, इसलिए मुझे पसंद आया। तेरे लिए वैलेंटाइंस डे का सरप्राइज गिफ्ट लाई हूँ। गिफ्ट लाई क्या? एंजॉय कर। एटलीस्ट आज तो तू नहाया है ना? एक हफ्ते पहले नहाया था। कमीना कहीं का। छी। चलना कुची कुची करता है। पिंचू तू ये देखने के लायक नहीं हुआ है, दिस इज ओनली फॉर एडल्ट्स। चल हम वॉकिंग पर चलते हैं, चलो। करी तो चला रहा था, तभी तो ठोक दिया। सॉरी हां। सॉरी बोलेगा तो मैं छोड़ दूंगी क्या? मेरे पिताजी कौन है पता है? योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि इस केस को आप बहुत गंभीर होकर सुने। हमारे जीवन में कुत्ते का बहुत महत्व है और आज एक कुत्ते के साथ अन्याय हुआ है। योर ऑनर, इस केस को अगर ठीक से देखा जाए तो पिंचू एक प्यारा सा कुत्ते का बच्चा है, दो कुत्ते के जोड़े को मिलाकर पैदा होने वाला एक विशेष कुत्ते का बच्चा, और उसे इस धरती पर कहीं भी रहने की छूट है। जिंदा रहने के लिए यह भी जरूरी है, यह कहना गलत नहीं है योर ऑनर। दिन में 5-5 बार खाना, हर एक 10 मिनट पर मूत्र विसर्जन करके बहुत ही प्यार से इधर उधर घूमता था योर ऑनर। योर ऑनर, आपको एक सीडी देखनी चाहिए। अरे ओ, प्ले करो इसे। हे विवेकानंद जी, आपका डॉग और आपकी बेटी दोनों के दोनों बहुत ही क्यूट है। थैंक यू योर ऑनर, अपने प्यारे से अंदाज में सबके दिल को आनंद देता था ये प्यारा सा कुत्ते का बच्चा, और आज उसके साथ क्या हुआ आप खुद ही देख लीजिए। हाँ, देखा ना योर ऑनर, उस प्यारे से कुत्ते के बच्चे ने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया, पूंछ भी नहीं हिलाया उसने। योर ऑनर, वो एक मूक प्राणी, अपने दर्द के बारे में वो कैसे बताएगा। आई एम वेरी सॉरी, आई बिकेम इमोशनल। योर ऑनर, इस केस को बहुत ही बारीकी से परीक्षण करके हमने पता किया कि उसकी यह हालत इस लड़के की वजह से है, इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं यही चाहता हूं। That's all, योर ऑनर, That's all। इस केस को बहुत ही बारीकी से परीक्षण करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आरोपी को 3,000 रुपयों का जुर्माना और 2 साल की जेल की सजा दी जाती है। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। सिर्फ चेहरा देखने का 3,000 का टैक्स लग गया यार। इसीलिए ब्रो, मैं लड़कियों का चेहरा नहीं कुछ और ही देखता हूँ। अबे कमीने, एक तो मैं 3,000 रुपए कहाँ से एडजस्ट करूंगा ये सोच रहा हूँ, और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अपने डैडी के सामने रो ना, पैसे मांग लेना यार। अरे मेरा बाप, वो तो इस जमाने का बहुत ही बड़ा ड्रामेबाज है, उसके पैर भी टूटेंगे तो बोलेगा पैसे नहीं है। मेरे मम्मी डैडी के सामने नाटक करना मुझसे नहीं होगा। ओ, मेरे पास एक आइडिया है। क्या है? ऐसा ऐसा कर देंगे, वाह, सुपर आइडिया है, वेरी गुड।
कड़क अमाउंट मिल गया जाने वाला। चल किसी लॉज में चलते हैं। ये जगह लॉज से कम है क्या? एसी भी है। कम ऑन लेट्स हैव फन। रुक क्यों गए? और कितने दिन सिर्फ किस में गुजारूंगा? किसके भी आगे बढ़ेगी तो गधे की तरह मेहनत करूंगा मैं। गधे का भी एक दिन आता है। और वो दिन आने से पहले कहीं मैं चल बसा तो काट के रख दूंगी अगर मुझसे दूर हुआ तो। केजीएफ से सोना चोरी करने वाले क्रिमिनल्स और ये एक ही गैंग है ऐसा मुझे लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है उमेश? मुझे भी यही शक है सर। नेक्स्ट टाइम कोडेट आने के बाद वो पेपर सिन्हा को कस्टडी में लेके इंक्वायरी करेंगे तो जरूर कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सोने की चोरी के केस में पेपर सिन्हा मीडिएटर है और वो हमारे हाथों लग गया है ये उन्हें भी पता है। इसकी वजह से वो हमें जो इन्फॉर्मेशन देगा वो यूज नहीं होगा क्योंकि वो जो भी जगह बताएगा वो सब वहां दिखाई नहीं देंगे। भाई अंदर सब ठीक ठाक है ना? भाई 2 साल पहले जब मैं जेल में था ना तब इतनी सहूलियत नहीं थी यहाँ। अब कोई बात नहीं है, जेल भी थोड़ा इम्प्रूव हो गया है। आइटम लाया क्या? चिकन बिरयानी है भाई। लेग पीस डालकर लाया क्या? हाँ भाई डाला ना। ये लो भाई। कल मटन भेजने को बोलना अपने ऑनर को, भेजा खाने का मन कर रहा है। ठीक है भाई ठीक है चलता हूँ। ठीक है ठीक है। इस घर के ब्लूप्रिंट के हिसाब से हम लोग अभी घर के हॉल में हैं। किसी को भी कुत्ता दिखाई दिया तो मैसेज करना। तुम दोनों इस तरफ जाओ। और तुम दोनों इस तरफ चले जाओ। ठीक है मैं इधर ही ढूंढता हूँ। ठीक है। कहाँ है मेरी आइटम? अच्छा यहाँ हो गया। अबे भाग मत भाग मत। चुप चुप चुप। पिंचू सो जाओ। इसके पीछे 3,000 रुपए लगाने को कह रहा था। कुत्ता मिल गया, मैसेज कर देता हूँ। बाप रे, बहुत ढूंढना पड़ रहा है यार। कुत्ता मिल गया। अभी तो यहीं था, कहाँ चला गया? ए कुत्ते कहाँ है तू? कौन है? कौन है? लगता है बिल्ली बिल्ली काली बिल्ली। मुझे सो जाना चाहिए। हे भगवान रक्षा करो, रक्षा करो मेरी बिल्ली को भगा दो। फंस गया कमीना। सक्सेस। हाँ सिर्फ यहीं पे रोक दो। रेडी? जस्ट अ मिनट मैडम, रोलिंग। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं वो फेमस एडवोकेट विवेकानंद का घर। यहाँ आज हम आपको दिखाने वाले हैं आंसू में डूबी हुई एक फैमिली की कहानी। चलिए देखते हैं। सुपर मैडम। मैडम 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 मैडम, अंदर डॉगी है काट लेगा ऐसा बोर्ड पे लिखा है मैडम। सीबू, हम यहाँ आए हैं उस डॉगी के मिसिंग स्टोरी को कवर करने। करेक्ट मैडम। चलो आ जाओ अंदर। कंफ्यूज हो गया। क्या बता सकती है आपने अपने डॉगी को आखिरी बार कब देखा? प्लीज उसे डॉगी मत कहिए। कुत्ते को कुत्ता नहीं बुलाएंगे तो फिर क्या बुलाएंगे? पिंचू रात को दूध पीकर आया और मेरे बगल में ही सो गया। कितना नसीब वाला है वो डॉगी जो इसकी बगल में सो गया। जब मैंने सुबह उठकर देखा तो वो वहाँ नहीं था। पूरा घर छान मारा, कहीं भी नहीं था वो। क्या आपको किसी पर शक है? हाँ हाँ, एक काला कलूटा जब देखो हमारे घर पर आता था। डॉगी की भी गर्लफ्रेंड है। खैर छोड़ो। जो डॉग गुम हो चुका है क्या आप उसे कुछ कहना चाहेंगी?
अंजू प्लीज तुम जहाँ पर भी हो जल्दी घर आ जाओ बेबी, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। प्लीज अगर मेरा पिंचू किसी को नजर आए तो मेरे घर पर आकर छोड़ दीजिए प्लीज। पक्का उस कल्लू डॉगी का ही काम है ये? बताइए सर, आपके और उस डॉगी के बीच संबंध कैसे थे? क्यों भाई, आपको किसी पति पत्नी के बीच का झगड़ा या किसी के अफेयर की खबर नहीं मिली क्या? कुत्ते की स्टोरी बनाने आ गई। सर अगर आपका कोई अफेयर है तो बता दीजिए, मैं स्टोरी ही बना रही हूं। सुपर क्वेश्चन मैडम, गेट आउट इडियट, गेट आउट। चलिए मैडम, मैंने आपको पहले ही कहा था बोर्ड लगा अंदर डॉगी है, काट लेगा। आपने मेरी बात नहीं मानी, काट लिया ना आखिर। ए रत्ना, पानी नहीं आ रहा है। हमें मिली खबर के हिसाब से इस घर की स्पेशलिटी क्या है पता है आपको? इस घर में डॉगी डॉगी नहीं है, इस फैमिली का हिस्सा है, उसे बड़े प्यार से ही ट्रीट किया जाता था। ए, ये क्या यार, ये डॉगी इसी तरह है? हाँ? ये वही है क्या? इसके बारे में और डिटेल्स में बात करेंगे घर के और सदस्यों से। बगल की सुनीता आंटी का बेटा भी मेरी तरह ही दिखता है, आपका ही है क्या? भगवान का संभव, इसकी तरह नहीं है, मैं नहीं जानता, झगड़ा लगवा दे। बस हो गया, टीवी पर देख कितना रो रही है वो बेचारी इसके लिए। ये उसी का है ना? अब देखो वो भी रो रही है, उसी का है क्या? क्या डैडी जी, डॉगी का नया बिजनेस है क्या? यहाँ इस कपूर के ऊपर हाथ रख के कसम खा और बोल के उस डॉगी को चोरी करके नहीं लाया। मम्मी बोल ना। अरे ऐसे कैसे होगा, तो डॉगी चोरी क्या होगा तूने? थोड़ी सी भी समझ नहीं है क्या तुम लोगों में? झूठ बोलने के लिए हाथ जलाओगे क्या? मैंने ही चोरी की है। ये क्या किया तूने? बचपन में बैट बॉल मांगा करता था तो हमें लगा कि क्रिकेटर बनेगा, बड़ा होकर सचिन तेंदुलकर बनेगा, वो भी नहीं किया। सचिन? अरे बेवकूफ कहीं का, जब तू हाई स्कूल में था तभी एक फ्यूज बल्ब को तूने ठीक कर दिया था, मुझे लगा कि तू आइंस्टीन बनेगा, लेकिन तू वो भी नहीं बना। आइंस्टीन? कॉलेज के ड्रामा में एक्टिंग करता था तो हमें लगा था कि बड़ा होकर अक्षय कुमार बनेगा, वो भी नहीं बना। अक्षय? फाइनली डॉग चोर बन गया। अरे यार। जिंदगी मेरी और सपने आपके, एक को पैदा करके कितने सपने सजा कर रखे हैं आप दोनों ने। ऐसा नहीं है, बच्चे बड़े होकर सेटल हो जाए अगर माँ बाप ये सोचते हैं तो क्या गलत है? वो गलत नहीं है माँ। फिर? लेकिन तेंदुलकर बन जाओ, आइंस्टाइन बन जाओ, अक्षय कुमार ही बन जाओ, ये सोचना तो गलत है ना? ऐसा लगता है डॉग चोरी करके बहुत बड़ा काम कर दिया तूने। मैंने जानबूझकर चोरी नहीं की है पापा, स्टोरी बताता हूँ ध्यान से सुनो। मेरे पिताजी कौन है पता है? इट्स ऑल योर ऑनर। सक्सेस। सही है, इसलिए इस कुत्ते को बेचकर फाइन भर दूंगा ऐसा सोच रहा हूँ। हाँ। फिर भी लड़कियों की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, वो ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। लड़कों को भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए, लड़कियों का अच्छा नहीं होगा। जब कोर्ट में खड़ा था तो पैंट में ही मैंने पेशाब कर दी थी, ये बात पता है तुम्हें? क्या? ए, सच पता चल गया क्या? उस दिन जब तू कपड़े धो रही थी तो मुझे डांट रही थी पैंट से बहुत खराब स्मेल आ रही है, ये मेरा बेटा। अच्छा जो हुआ सो हुआ, एक काम कर पहले इस डॉगी को उसके हाथों में देकर आ, उस बेचारे की जान बची है इसमें, इस तरह किसी का दिल दुखाना अच्छी बात नहीं। ठीक है माँ, जब तुम मुझे इतना फोर्स कर ही रही हो तो जाकर दे आऊंगा, लेकिन एक बात है, मैं उस लड़की के घर जा रहा हूँ और उससे मैं मिल भी रहा हूँ, हम दोनों में प्यार हो जाएगा, उसके घर का दामाद भी बन सकता हूँ मैं। ये सारी सोच अपने मन में मत रखना माँ, इतना बड़ा कोई सीन नहीं है, क्योंकि उनके घर का बाथरूम हमारे घर जितना है। जाना, अगर हमारी किस्मत में लिखा होगा ना तो हमारी आयसू बेबी आदि बाबा को डिवोर्स देकर इसी बाथरूम में आकर संसार बसाएगी। मेरे साथ क्या? आई मिस यू पिंचू, कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? पिंचू कम हिया, कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? हाँ कहाँ गए थे? आई मिस यू सो मच डैडी, यहाँ देखो कौन आया है, माय क्यूटी। आ गया, ये कहाँ पे मिला, कौन लेके आया? सर मैं लेके आया हूँ। ओ तू, तुझे कहाँ मिला ये? कल टीवी में आपकी बेटी का रोना देखा सर, मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने जब साइकिल से उसे ठोकर मारी थी तभी उसे थोड़ा सा पैर में लगा था, तो आपकी बेटी को कितना दुख हुआ था, तो ये गुम होने के बाद आपकी बेटी को कितना दुख हुआ होगा इसके बारे में मैंने सोचा।
इसलिए ये जहां भी मिले उसे ढूंढने का मैंने डिसाइड कर लिया था। मैंने अपने पूरे फ्रेंड सर्कल को मैसेज कर दिया, इसका नसीब अच्छा था तो जल्दी मिल गया। That's so sweet of you. Thank you so much. मैंने तुम्हें कोर्ट में फाइन लगाकर तकलीफ दी, उसके बावजूद तुमने हेल्प की। I'm very sorry. तुम्हारा चेहरा देखकर तो नहीं लगता कि तुम्हारा दिल इतना बड़ा है। मैंने तो तुम्हें गुंडा समझा था। चेहरा दिल का आईना नहीं होता है सर, चेहरा देखकर नतीजे पर नहीं आना चाहिए बल्कि गुण देखकर आना चाहिए, ऐसा बड़े बुजुर्गों ने कहा है। गुड गुड, इसी उम्र में तुमने बहुत कुछ सीख लिया। मुझे तुम्हें कुछ देने का दिल कर रहा है, मांगो, क्या चाहिए? हमारा कस्तूरी निवास का वंश है सर, इस हाथ को धरती देखने की आदत है सर, आकाश में देखने की आदत नहीं है। कभी कभी आकाश देख लेने से कुछ नहीं होता, मांगो। सर आप मुझ पर बहुत ज्यादा जोर डाल रहे हो, मुझे छोटी मोटी चीजें मांगने की आदत नहीं है, मारना है तो हाथी को मारना। आपकी बेटी से शादी करवा दीजिए सर। हाँ डैडी, आई एम रेडी। मुझे पता था बेटा तू जरूर कुछ ऐसा ही मांगेगा। एए, मैं भी तेरी उम्र से गुजरा हूँ, लड़की देखने के बाद कैसी कैसी दिल में भावनाएं जागती है मुझे पता है भाई। चेहरा दिल का आईना नहीं है बोलकर मेरे साथ ही नाटक कर रहा है, गुंडे कमीने। एए, गेट आउट, आउट। अब क्या सोच रहा है तू, खड़ा क्यों है? सर तेरी उम्र में मुझे कोई ऐसा ऑफर देता ना तो मैं बहुत प्यार से उनसे कुछ और मांग लेता। एए, थोड़ा होशियार रहना चाहिए इस उम्र में। सर अगर आपको कुछ देना ही है तो वो कोर्ट की फीस भर दीजिए सर। रोमांटिक तो तू है नहीं लेकिन होशियार बहुत है। भर दूंगा। थैंक यू सर। ठीक है, आते रहना। हाँ आऊंगा सर। पिंचू इधर आओ। पिंचू बाय करो। होल्ड ऑन होल्ड ऑन, एक बात है, देसी बकरा लाकर मैंने खुद अपने हाथों से बिरयानी बनाई है, आप लोग खूब अच्छी तरह से खाइए, पर टेस्ट कैसा लगा ये जरूर बताइए। कम ऑन हैव इट। ए थोड़ा सा दही दो उनको सर। एक बात बोलूं, मुझे लगा कि आप वेज हैं। ओ ऐसा सोचा था, बिल्कुल सही सोचा था, लेग पीस लो। मेरी बीवी नॉन वेज नहीं खाती और छूती भी नहीं, इसीलिए आज मेरा बेटा परोस रहा है, हम दोनों मिलके जम कर खाते हैं। हमने सोचा आप नहीं खाते हैं इसीलिए कई फंक्शनों में नहीं बुलाया। बैड, ऐसा मत करना, अब से जरूर बुलाना, मैं और मेरा बेटा दोनों आएंगे। क्यों यार? सर आपका बेटा क्या करता है सर? वेल ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, IBM में काम कर रहा है, इतना उम्र होने के बाद भी अभी तक इसे लव नहीं हुआ है, इडियट। इसके लिए लड़की ढूंढने की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है तो हम ये जिम्मेदारी जरूर निभाएंगे, और इसी वर्ष अगर कोई अच्छी लड़की मिलती है तो हम दोनों ने सोचा है इसकी शादी करवा देंगे। क्यों? ओके डैड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऐप टैब मोबाइल गेम शो। इस गेम शो में कोई भी पार्टी सेलिब्रेट कर सकता है, बट वन कंडीशन, कपल्स रहना चाहिए। यहाँ जो भी जीतेगा ऐप टैब कंपनी से मोबाइल गिफ्ट मिलेगा। रूल्स ये है कि लड़कियाँ अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ पर आकर प्रपोज करने वाली हैं। जो ढासू तरीके से प्रपोज करेगी उसे हमारी कंपनी की ओर से एक सुपर हैंड सेट मिलेगा। तो पहला पार्टिसिपेंट कौन बनना चाहेगा? Hey, मैं। प्लीज कम। हाय। हाय। आपका नाम? सुनील। एंड योर? सुषमा। ओके, तो ये किस तरह से प्रपोज करते हैं देखते हैं। हाय सुषमा। हाय। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ, स्वेयर आई लव यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पहले फेल हुए सब्जेक्ट में पास तो हो जा। अबे कौन बोला? हाँ फेल्यूर? नहीं सच नहीं है। तूने तो कहा था तू रैंक स्टूडेंट है, झूठा कहीं का। आई हेट यू। नहीं सुषमा प्लीज लिसन टू मी सुषमा। ओके ओके, द नेक्स्ट पेयर। मैं। ओके आइए। हाय। हाय। तुम्हारा नाम? रश्मि। तुम्हारा? सुनील। ओके प्रपोज कीजिए। डियर रश्मि, जब से तुम मेरे घर के पड़ोस में आई हो मेरे दिल ने देख कर कहा पक्का पक्का। मुझे देख के बहुत रखा फिटिंग तेरी बहन ने, लेकिन फिर भी तूने ही मेरा दिल जीता पूरा टका। अगर तू पक्का मेरे साथ हर वक्त रहेगी तो मैं इस जगत में हो जाऊंगा नंबर वन, और बन जाएगा गाड़ी धक्का। कौन बोला? चेहरा दिखाओ अपना। ओके नेक्स्ट पार्टिसिपेंट कौन बनना चाहेगा? हम है ना मैडम। प्लीज कम। एक्सक्यूज मी। हाय, तुम्हारा नाम? अनुप। तुम्हारा? आदिति। ओके अनुप आदिति को कैसे प्रपोज करता है ये देखते हैं। गुड। Oh
मैंने इसे आंखों से ही प्रपोज कर दिया और मैंने इसे आंखों से ही हाँ कर दिया। ओह माय गॉड। सारे लवर्स पहले अपनी आंखों से ही प्रपोज करते हैं और आंखों से ही यस कह देते हैं, उसके बाद तो दोनों में सिर्फ आई लव यू बोलना ही बाकी रह जाता है। हम दोनों ने आज तक एक दूसरे को आई लव यू नहीं बोला, फिर भी एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। वाओ, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। प्यार दिल में रहना चाहिए, होठों पर नहीं। ओके गाइस, आज के गेम शो के विनर्स हैं अनुप और अदिति, प्लीज गिव देम अ राउंड ऑफ अप्लॉज। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो अपने जूनियर्स से कहता था, सिगरेट का धुआं मैं आंखों से निकालूंगा, आंख दिखा के उनकी जांघें जलाता था। अब ये तुम्हारा कौन सा नया गेम है, आंख से प्यार करना? अब देखो, मैं तो कब से तुम्हारी आंखों में देख रहा हूं, मुझे तुमसे क्यों नहीं प्यार हुआ? मैं लड़का हूं सर। ओ, लड़के को लड़के से लव नहीं होता, सामने लड़की ही होनी चाहिए क्या? रत्ना, ए रत्ना। आती है सेठ जी। थोड़ा नजदीक आ जा। बोले ना सेठ जी। मेरी आंखों में आंखें डाल के देख। सच बोलने का? सच्ची में सेठ जी, मेरे को पैसा चाहिए था, इसके लिए चोरी नहीं किया मैंने, वो आपके पर्स से नीचे गिर गया था, इसके लिए मैंने उठा लिया। ये लीजिए आपका पैसा। चोरी करके मुझे कहानी सुना रही है? केस डाल के अंदर कर दूंगा, गेट आउट। Hey, उसे वहां रख दे, अब जा। देख लिया ना सर, आंखों में आंखें डालकर देखोगे तो सच कैसे बाहर निकलता है। ये लॉजिक हर जगह पे वर्कआउट नहीं होगा। आंखों में आंखें डालकर नहीं, आंखों की गोटी निकालने के बाद भी कई क्रिमिनल सच नहीं बोलते। आंखों की भाषा सिर्फ लवर ही समझ सकते हैं सर, क्रिमिनल्स नहीं समझ पाएंगे। तू अपनी उम्र से ज्यादा बोलता है, इसीलिए मेरी बेटी अट्रैक्ट हो गई। हम दोनों में सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है डैड, प्योर लव है। इस वक्त ऐसा है कि तुम दोनों के लव का परमिशन मुझे देना होगा, नहीं दूंगा तो तुम कहीं भाग जाओगे। अभी यह ट्रेंड चल रहा है ना, पहले लड़के को पटाओ, गार्डन में जाकर बैठो और लड़की के मम्मी डैडी को विलेन बना दो और खुद बन जाओ हीरो। हमारा लव एक्सेप्ट करके आप ही हीरो बन जाइए सर। मैं हीरो बनूंगा या विलेन तेरे मुंह से नहीं सुनना, मुझे तुम पर भरोसा नहीं, लेकिन अपनी बेटी पर बहुत है, उसके सिलेक्शन पर भी बहुत भरोसा है और उसके लिए मैं हमेशा हीरो ही हूँ। आई लव यू डैड। सर आप एक तरह से पागल ही हो सर। यही बेवकूफ मेरी बेटी को पसंद आया, जो मुंह में आता है सीधा बोल देता है। अब तुम हमारे घर पर सीधे आ सकते हो, मॉल वॉल में रोमांस करने मत जाना। हमारा एजुकेशन खत्म होने के बाद, हम दोनों की लाइफ सेटल होने तक आपकी बेटी का राइट हैंड भी नहीं पकड़ूंगा सर। लेफ्ट हैंड है ना, इन बातों से कोई फायदा नहीं। शादी होने तक SMS से रोमांस करके प्योर लव है ये प्रूफ करो। ठीक है ससुर जी। शोभा हाँ? मैं अर्जेंटली गाँव जा रही हूँ, नाइट को मेरे हस्बैंड आएंगे तो ये चाबी दे देना। ठीक है, थैंक यू। राहुल। यस डैड। बिजी हो? जब से मैं ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना हूँ ना डैडी, पूरी लाइफ इस कंप्यूटर के सामने गुजार दूंगा ऐसा लगता है। मुझे आपकी तरह पुलिस ऑफिसर बनना चाहिए था, तो हर दिन कुछ नया देखने को मिलता ना। राहुल, तुम जरूर जेम्स बॉन्ड की मूवीज देखने के बाद ऐसा सोच रहे होगे। हमारे देश में पुलिस वाले राजनेताओं को सिक्योरिटी देकर और उन्हें सलाम मारते मारते ही रिटायर हो जाते हैं। हमारे देश में पॉलिटिशियन बनना ही बेस्ट है, कौन सी पार्टी में जाऊं? किसी भी पार्टी में मत जाओ बेटा। ऑफिस से मैंने एक मेल भेजा था तुम्हें, देख लिया तुमने? नहीं डैडी। चेक करो जरा। कौन है डैडी ये? लड़की कैसी है? Of course, she is pretty. But मुझे क्यों भेजा आपने? मैंने अपने एक दोस्त को एक अच्छी सी लड़की देखने के लिए कहा था, उन्होंने ही ये फोटो भेजी। लड़की तो बहुत सुंदर है, अगर तुम ओके कहोगे तो हमें भी पसंद है। अच्छी फैमिली है राहुल, लड़की ने बहुत अच्छी पढ़ाई भी की है, अरे MBA किया है इसने। If you say yes, तो फिर इसके घर वालों से अब भी बात कर लूंगा मैं। तो आप दोनों ने मिल के इस साल कुछ करोगे ये डिसाइड कर लिया है? Yes, of course, yes. Okay, carry on. मेरे एरिया में अगर तुमने गाड़ी चलाना सीख लिया तो पूरे इंडिया में कहीं पर भी चला लोगी। लेकिन रास्ते पर इतने खड्डे क्यों हैं? हमारे देश में आलसी लोग बहुत हैं ना,
सुबह उठ के एक्सरसाइज तो करते हैं नहीं, इसलिए रोड को ऐसे ही छोड़ दिया है ताकि ऑटोमेटिकली बॉडी की एक्सरसाइज हो जाएगी। ये दिमाग है। आओ ना अंदर आओ, मेरे मम्मी पापा बहुत ही फ्रेंडली हैं, तुम्हें पता चल जाएगा। आओ। अरे अनुपा, कौन है ये लड़की? कहीं तो देखा है इसे मैंने। मैंने भी इसे देखा है। पापा, ये अदिति है, मेरी लवर। हाय आंटी, हाय अंकल। हाय। आप दोनों ने इसे देखा था ना टीवी पर? वही पापा, कुत्ते का केस। ये वही लड़की है ना, इसीलिए कब से लग रहा था कि मैंने इसे कहीं देखा है। बेटा, तू इस लड़की के साथ घूम रहा था क्या? इसके डैडी को पता चलेगा तो क्या होगा? मैटर डील हो गया है पापा, इसके पापा ने हमारा लव एक्सेप्ट कर लिया है। अगर हमने एक्सेप्ट नहीं किया तो? इसके पापा को मनाया है तो अभी आपकी क्या प्रॉब्लम है? इसकी तो जरा इसे पकड़ो तो। कहना क्या चाहता है? इसका बाप करोड़पति है और हम रोडपति है क्या? बोल, ए तू जाके समझा इसे। जा जा। तेरे बोलने का मतलब तो यही था ना, एकदम से एक लड़की को घर में लेकर आएगा और कहेगा कि मेरी लवर है। तो मुझे दो लड़कियां लेके आना चाहिए था। पीछे पीछे पीछे। ए मजाक मत कर, ये सीरियस बात है। मैंने तुझे मेहनत करके बड़ा किया है, तुझे अपने पैरों पे खड़ा किया, इसलिए नहीं कि किसी करोड़पति लड़की का पति बनकर उसके घर पर जमाई बनकर उसके घर पर रहने के लिए नहीं। मैंने इसके बाप की जायदाद देकर प्यार नहीं किया, लव एट फर्स्ट साइट। मैं इसे अपने दिल से प्यार करता हूँ पापा। तो तुमने इसे सब कुछ कह दिया है क्या? हाँ, सब बता दिया है, हमारी लेवल, हमारा बैकग्राउंड, सब कुछ बता दिया है पापा। मैंने बताया ना, डॉग चोरी करके लाया था, बताया क्या? इसकी जरूरत है क्या? डॉग ही चोरी करके लाया मतलब? अरे वही, तुम्हारे घर का डॉग। छोड़ो, मुझे कुछ भी हो मैं तो बता के रहूंगा। तुम्हारा डॉग खो गया था ना, इसी ने उसे चोरी किया था। हाँ बेटी, हमने तुम्हें टीवी पर रोते हुए देखा था, तो इससे कहा था कि जाओ जाकर देखकर आओ। अरे एक बात तो भूल ही गई तू, वो क्या? अरे डैडी जी इधर आओ, वो तुम्हारे पिताजी ने कोर्ट में केस डाल के फाइन लगवाया था ना, उसी का बदला लेने के लिए तुम्हारे घर के डॉग को चोरी कर लिया था इसने। बता ना इसे, सही से बता ना। अभी तुम दोनों ने तो बता ही दिया ना। हमने भी जो हार्ट में था वो कह दिया उसे। अदिति, अदिति सुनी जी, वो लड़की तो क्यों भाई, क्या हो गया? डॉग ढूंढने गई है क्या फिर से? अरे बताओ। अरे अदिति जाके देख, जा रहा है दूध लेकर आऊं क्या? हाँ क्यों? पति पत्नी दोनों गरम करके पी लो। काम क्या करता है वो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बढ़िया है, फिर फॉरेन में सेटल हो जा। यूज करके फेंकने के लिए मैं कोई टिश्यू हूँ क्या? चप्पल से मारूंगी। तेरे बाप के पास जाके हाथ मारूंगा तो जूते से मारेगा वो। सोच रहा हूँ कि तेरे से शादी तो कर लूँ, मगर तू कॉफी डे है और मैं हूँ चाय की दुकान, अपन तेरे को मेंटेन नहीं कर पाएगा। तू टेंशन मत ले, काम कर, तू उससे शादी कर ले, शादी के बाद भी अपन तेरे को बराबर सर्विस देगा। रास्ते की चाय की दुकान वाला रहेगा तो भी मुझे चलेगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। चुपचाप ये एंगेजमेंट रोको। पर कैसे रोकूं? लड़के का बाप सीबीआई ऑफिसर है, उनसे मिलकर हमारे प्यार के बारे में तू बता दे, तभी ये शादी टूट जाएगी। तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। क्यों अंकल, क्या हुआ? वो तुम मेरे बेटे से बात नहीं कर रही हो, उस वजह से उसने हमसे बात करना छोड़ दिया है। 3 दिनों से खाना तक नहीं खाया उसने, बहुत गुस्से में है। जब तक तुम उसे बात नहीं करोगे ना, वो हमसे बात नहीं करेगा। वो आजकल लोग सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए करते हैं ना, वो भूख हड़ताल की है उसने, किसी की बात ही नहीं सुनता। आप ही बोलिए अंकल, उसने जो किया वो सही था, इसलिए नाराज होकर मैं उसे बात नहीं कर रही हूँ। वो तुम्हारी भाषा में बोलते हैं ब्रेकअप वगैरह, वो सब तो नहीं है ना? वैसा कुछ नहीं है अंकल, आई स्टिल लव हिम, लेकिन उसने जो किया वो गलत है, उसे पता चलना चाहिए, इसलिए मैंने बात करना छोड़ दिया है, बस इतना ही। उसे पता चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन हमने जो गलती की है ना, वो हमें बता रहा है। प्लीज सिर्फ एक बार उसे माफ कर दो, उसे बात कर दो बेटी,
प्लीज सिर्फ मेरे लिए बेटी। ठीक है अंकल, बात करूंगी। एक मिनट, फोन लगा के देता हूँ, वो प्रूफ मांगेगा ना तो बता देना बेटी है। डैडी जी, वो मैं तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ, मैं फोन मत काट लोफर। बात करो। हेलो, मेरे मोबाइल पर कॉल करो। थैंक्स बेटी। 12 रेप और 8 मर्डर, हिसाब बराबर है ना? सर, आपसे काय को झूठ बोलेगा, बीच में अभी दो और किया मैंने। सच में? वो कब किया? वो तो फिल्म देखने के बाद किया। देखने के बाद मेरा मूड बन गया तो कर दिया लेडीज टॉयलेट में। सर, मेरे को बेल मिलेगा ना सर? तुमने जो कारनामे किए हैं ना, उसके लिए बेल नहीं, डायरेक्ट ऊपर। क्या सर, मेरे साथ कॉमेडी कर रहे हो ना आप? मुझे पता है आप ना मेरे साथ पूरी कॉमेडी कर रहे हैं सर। है ना, सही बोला ना मैं? सही बोला ना? मेरे को बेल मिलेगा, मुझे पता है। कॉमेडी कॉमेडी देख रहा है? कॉमेडी कर रहा हूँ तुम्हारे साथ? सर नहीं, सर नहीं, 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 नहीं। इन्हीं हाथों से तुझे अंदर पहुंचा दूंगा, तुझे पैरों के फूट से मार के लॉकअप में उठा दूंगा। पिकअप पिकअप। क्या कर रहा है ये? कट कर दिया? Something must be wrong. सही कहा आपने। सुनो यार, आप तो पूरी दुनिया के खिलाड़ी हो ना, कितना भी मुश्किल काम हो तुम कर देते हो। थैंक यू सो मच डैडी। हे कम ऑन। हां, सोना सोना, आ चुके हैं। कितना टाइम लगा दिए, चल जल्दी आ जा। वन मिनट मम्मी, कॉल करके आती हूँ। ठीक है ठीक है, जल्दी आना। पिकअप पिकअप। ऐसी बात नहीं है सोना, बात मत कर।
कर मुझसे। आज तेरा मर्डर कर दूंगी। लड़का तेरे से बहुत अच्छा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन मुझे सिर्फ तेरे जैसा पागल ही चाहिए। रात को सोचा मर जाऊं, इसलिए मैंने अपना हाथ काट लिया, लेकिन तुझे छोड़कर मरने का भी मन नहीं है। अपुन को सब पता है सोरा, पर अपुन क्या कर सकता है, तू ही बोल। ऐसा कहकर इधर तू चुपचाप बैठा रहेगा और वहाँ मेरी शादी हो जाएगी। बाद में मुझे याद करके तू बहुत रोएगा। तो मैं क्या करेगा, तू बोलना। ये ले, तू क्या करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मेरी शादी उसके साथ नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ कुमार, अर्जेंट में मिलना है तुमने फोन पर कहा था, क्या लफड़ा है? भाई अपुन की गर्लफ्रेंड की शादी फिक्स हो गई है। भाई शादी हो रही है तो क्या हुआ, उठा कर ले जाओ उसे। भागने के लिए वो मान नहीं रही है भाई, अभी कैसे भी करके एक बार शादी रोक दो बस, बाद में वो अपने बाप को मना लेगी भाई। अगर लड़की तैयार है तो डायरेक्ट तू उसके डैडी के साथ डील कर ले बे खजूर। अरे उसका डैडी बिग शॉट है भाई, वो सीन क्रिएट कर देगा भाई। भाई मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, आप ये शादी रुकवा दो बस। ये क्या है बे? सोने का हार है, कंगन है, सब सोने का माल है, है? ये देखो। ए, ये अंदर रख ले। लड़की में जो दम है वो तेरे में नहीं है। कौन है वो लड़का? वो सीबीआई ऑफिसर प्रभु का बेटा है भाई। क्या, सीबीआई ऑफिसर प्रभु का बेटा? कुछ भी करने के लिए रेडी है ना? ठीक है, जा फोन को पास में रखना, मैं अल्टर डील करेंगे। चलता हूँ भाई। ए, पेपर कॉलिंग। पूछना क्या है? ए सीना, जेल में ही बिरयानी के साथ सेटल हो गया क्या तेरी तो? ए पागल लोगो, क्या सुबह सुबह ही मार लिया क्या? मैं जो बोल रहा हूँ उसे ठीक से सुनो। सीना भगवत गीता सुना रहा है, सुन लो। चल बोल। सीसीबी प्रभु के बेटे का डील करोगे क्या? उससे शादी करने वाली लड़की साथ देगी कहाँ है? hey, क्या बोलते हो, क्या हुआ? चलो नहीं, तुम्हारे लिए हमेशा फ्री हूँ। टेल मी वेयर आर यू? घर पे। ऑफिस नहीं गए? ऑफिस जाने को मन नहीं हुआ, इसीलिए घर में ही काम कर रहा हूँ। ओ, शाम को फ्री हो क्या? क्यों, क्या बात है? ऐसे ही शॉपिंग जाने का सोच रही हूँ, अकेले जाने का मन नहीं हो रहा। मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। डोंट वरी, शादी होने तक मैं अपना ही क्रेडिट कार्ड यूज करूंगी। ए, जस्ट किडिंग यार, शाम को मिलता हूँ। ओके ओके, मिस यू। आई मिस यू।
कहाँ जा रहे हैं? हाँ, बताती हूँ, सरप्राइज है। बहुत बिजी हो क्या? ऐसा कुछ नहीं, यूजुअल फ्रेंड्स। ओके। हाँ, यहाँ 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 इधर पार्क करो। यहाँ पर क्या है? I just love this place. Look. भाई, वो लोग आ गए हैं। भाई, वो आ गया है। टाइम देख के बताता हूँ, आप आ जाना, ठीक है? Bye. आजा, 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 आ गया। हाँ बोल। सही टाइम है। आ जाओ। उधर ही रुको, उधर ही रुको, मैं आ रहा हूँ। सर 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 प्लीज सर। नाइस। चले क्या? ओके राहुल, मैं ड्राइव करूं? श्योर। कार की चाबी दो ना। जब दाढ़ी मूछ भी आई नहीं है, खेलने की उम्र में क्राइम करते हो? क्राइम? सर, कमीने, क्राइम है? ए, माँ, इसे लेके चलो। लेकिन क्यों सर? लेके जाओ। माँ, ये अनूप, अनूप। क्या हुआ जी? हाँ? ये अनूप। अरे, अरे, अनूप। सर, सर। सर रुकिए, एक मिनट सर, मेरी बात सुनो सर, सर 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 रुकिए सर, अनुप सर, अनुप स्टेशन चलो, मारिए वो तुसे सर, दो स्टेशन चल, लेकिन मुझे क्यों खींच के लेके जा रहे हो? चल सर, सर सर रुकिए सर, सर रुकिए, मेरे बेटे ने क्या किया सर? सर मैंने क्या किया सर, बताइए इसने, बताइए, हमारे ऑफिसर के बेटे का खून किया इसने, चलो। क्या क्या बोल रहे हो? ऐसा क्यों किया? मुझे कुछ नहीं पता बाबा, बाबा मां अनुप मेरा पीछा सुन सर, अनुप पापा सुनिए जी, को फोन किया था तुमने? किया था, लेकिन वो बात करने की स्थिति में नहीं है। अपनी आंखों के सामने ही अपने होने वाले पति का मर्डर देखकर कौन लड़की शौक में नहीं आएगी? पता नहीं उस लड़की ने क्या क्या सपने देखे होंगे। एक्सक्यूज मी सर, सर एक मिनट सर, सर
अक्यूज्ड मिला है, उसे अरेस्ट कर लिया मैंने। सर बहुत मारा मगर मुंह नहीं खोल रहा है, झूठी मोटी कहानी बना रहा है सर। मुंह नहीं खोला तो तेरी खोपड़ी के टुकड़े कर दूंगा। बोल क्यों मर्डर किया तुमने उसका? सर 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 अभी गोली उतार दूंगा, अंदर नहीं जा सकते। मेरा बेटा सर, सर उसने कुछ नहीं किया सर। यहीं पे रुको, मेरी बात सुनिए सर। मना किया ना, तुम्हारे समझाने पर वो सिर्फ तुम्हारी सुनेगा, पर मेरा मरा हुआ बेटा वापस आएगा क्या? सर हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता सर। सर प्लीज यकीन कीजिए, तुम्हें जो कुछ भी कहना है कोर्ट में आकर कहना। सर सर आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पकड़ता हूँ। आपको नीचा दिखाने जैसा कोई काम मैंने नहीं किया पापा। पुलिस के सामने आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं होगा। लॉयर लेके आइए, केस लड़ते हैं। आपकी कसम पापा, मैंने कोई खून नहीं किया है। लॉयर लेकर आएगा तुम? लॉयर लेकर आएगा? अभी पड़ेगी ना तब तो मुंह खुलेगा। लॉयर लाइए। जाइए पापा, लॉयर लाने की तैयारी कीजिए, जाइए आप। निकालो इन्हें, चलो निकलो यहाँ, चलो 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 करो, निकलो। शाबाश, बहुत अच्छे पापा। जो कहना है वो कोर्ट में आकर कहना। जाओ। बड़े बड़े क्रिमिनल्स 10-10 मर्डर करते हैं, उन्हें फांसी नहीं होती, तो तुम्हारे बेटे को कैसे होगी? अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, क्यों डरते हो? आप मर्डर किया होता तो प्रॉब्लम हो सकती थी, उसने तो फुल मर्डर किया है, नो प्रॉब्लम। डैड उसने मर्डर नहीं किया है, प्लीज उस पर भरोसा कीजिए। बेटा मैं पुलिस के हिसाब से बोल रहा हूँ, मर्डर सीसीबी ऑफिसर के बेटे का हुआ है, आसानी से उसे केस से बाहर लाना संभव नहीं है, पूरा डिपार्टमेंट उसके सपोर्ट में रहेगा, ये बात जान लीजिए। देखिए अगर उसे कुछ हो गया तो हम दोनों जी नहीं पाएंगे। आपके दर्द को मैं समझ सकता हूँ, इस वक्त हमें धीरज से काम लेना होगा, प्रोसीजर के हिसाब से बेल के लिए अप्लाई करते हैं। सर ठीक है चलता हूँ। योर ऑनर, मुजरिम के कटघरे में जो लड़का खड़ा है यह बहुत ही अच्छे खानदान से है, यह लड़का ऐसी घिनौनी हरकत कर सकता है यह मानना बहुत मुश्किल है। योर ऑनर, असली आरोपी को पुलिस पकड़ नहीं पा रही है, इसीलिए बिना कारण इसे इस केस में डालकर इसके ऊपर चार्जेस लगाकर पुलिस इसे बलि का बकरा बना रही है। योर ऑनर, किसी और का किया हुआ गुनाह इसके सर पर मरने की कोशिश की जा रही है, इस केस में यह अपराधी निर्दोष है, आपसे गुजारिश है इसे जमानत देकर छोड़ दें योर ऑनर। दैट्स ऑल योर ऑनर, थैंक यू। आपको क्या कहना है योर ऑनर? अच्छे खानदान के बच्चे क्राइम नहीं कर सकते, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। इस केस में हत्या हुई है पुलिस ऑफिसर के बेटे की, तो झूठा बयान दाखिल करना ऐसा पुलिस यहाँ बिल्कुल नहीं कर सकते। ये केस अभी शुरुआती स्टेज में है, आपने अगर इसे जमानत पर छोड़ दिया तो यह लड़का भाग सकता है योर ऑनर। ये भी हो सकता है कि इसके खिलाफ सारे सबूतों को यह मिटा सकता है योर ऑनर, इसलिए आप इसकी जमानत की अर्जी को खारिज कर दे, ऐसी मैं आपसे विनती करती हूँ योर ऑनर। ये प्रकरण शुरुआती दौर में होने की वजह से आरोपी को अगर इस वक्त जमानत पर छोड़ दिया गया तो वो जो भी सबूत है उसे मिटाने की कोशिश करेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को हम न्यायिक हिरासत में रखने की अनुमति देते हैं। बेल नहीं मिली तो इसके लिए अपसेट मत होइए पापा, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, फाइट करेंगे। देखिए जी। देखो बेटा, तुम्हें जो कुछ भी कहना है अपने लॉयर से कहो, लेकर जाओ इसे। देखिए जी। पापा अनूप, आप टेंशन मत लीजिए, मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं सच कह रहा हूँ पापा। एक मिनट, अब माँ को देखिए, माँ का ध्यान रखिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं जरूर आऊंगा, मैं वापस आऊंगा पापा, आप बस माँ का ध्यान रखिए। मैं जा रहा हूँ पापा, लेकिन जल्दी आ जाओ बेटा, आप टेंशन मत लीजिए पापा। बेटा होशियार रहना। टाइम हो गया चलना। ए सुनाई नहीं देता क्या? मैं जरूर वापस आऊंगा, मेरा इंतजार करना।
कॉल भी नहीं कर सकता क्या लोफर? मुझे तुमसे मिलने का मन कर रहा है। कहाँ मिलेगा? ए पागल, तेरे को बिल्कुल भी अकल नहीं है क्या? तेरे को अच्छे से पता है ना ये बात, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हम दोनों का मिलना सही नहीं है। जब तक मैं बोलूं फोन मत करना, समझी ना तू? ओफो, एक मर्डर की वजह से तेरा इतना मूड ऑफ हो गया? तुम लोग गुंडे ही हो ना? ए पागल कहीं की, तेरी गलती की वजह से अपन फंस जाएगा। जब तक बोलेगा नहीं फोन नहीं करने का, ये सारी बातें फोन पे नहीं कर सकते, समझी? फोन रख। अदिति रो क्यों रही हो? तुम यहाँ पर क्यों आई हो बताओ? मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं तुम्हें इस तरह से देख नहीं पा रही हूँ। यह है ब्लेड बाबू, सिर्फ ब्लेड से ही 3 मर्डर किए हैं इसने, लेकिन इसके चेहरे पर जरा सा भी डर लग रहा है? जब इसको कोई डर नहीं है तो मुझे क्यों होना चाहिए? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। डरो मत सिस्टर, बॉस बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बाहर आकर ही रहेंगे। उसी दिन का मैं भी इंतजार कर रही हूँ, और वो दिन जल्दी ही आ जाए इसलिए मैं भगवान से रोज प्रार्थना कर रही हूँ। पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा सिस्टर, जिसको खिलाना पिलाना है ना उनको खिलाओगी तब काम होगा। टाइम हो गया, निकलो यहाँ से। चुपचाप जॉब है, आ रहे हैं। टाइम हो गया है, अंग्रेजों की तरह बर्ताव कर रहे हो, अपनी लवर से बात कर रहा है, डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहाँ से। सिस्टर तुम आराम से बात करो। तुम जाओ अदिति, मुझे कुछ नहीं होगा, जल्दी ही बाहर आ जाऊंगा। अरे ये पागलो, जो मैं कह रहा हूँ वो काम करो। वो कट में कुछ करते हो क्या? किसी ने मुझे देखा था, होशियार रहना। तुझसे मिलने आया था ना वो, कौन था बोल? तो मुझसे पूछने वाला कौन होता है? चल निकल बे। अगर वो कौन था ये नहीं बताएगा तो यहीं पर तुझे मार दूंगा मैं, समझो? मैं मारूंगा कि क्या करेगा ये देखते हैं। क्या कर रहे हो? छोड़ो। मेरे पे हाथ उठाएगा? मैं देख लूंगा तुझे, देख लूंगा। अबे मैं तो आना, अब तो दोनों का यही काम है। चलो। हेलो सर, मैं IDD बैंक से श्वेता बात कर रही हूँ, क्या आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे सर? क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, तुम चाहिए, आओ ना। सर मैं नहीं आ सकती, बैंक के एग्जीक्यूटिव को भेज देती हूँ, आप एड्रेस बताइए सर। हाँ लिखो, बैरक नंबर 14, सेंट्रल जेल, पर्याप नगर, पुणे। सेंट्रल जेल? सॉरी सर, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे एक तो मुझे इतना टेंशन, ऊपर से तेरा फोन। पेपर कॉलिंग। हेलो सीना, फंस गया क्या? अरे कमीनो, मैं यहाँ जेल में फंसा पड़ा हूँ। और तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो? उसने मुझे आइडेंटिफाई कर लिया है,
सीसीबी प्रभु को मैसेज जाएगा और वो लोग तुम्हें पकड़ के पीटेंगे। हे पेपर, जेल में ही उसे खत्म कर दे। क्या सामान चाहिए बोल, मैं भिजवाता हूँ। मार डाल उसे। ए, हम दोनों झगड़ रहे थे, ये पुलिस ने देख लिया है। जेल में उसे मारना इतना आसान नहीं है। अच्छा सुन, अंदर मेरा लड़का आयुब है, उसे बोल देना प्लान बना के दे देगा तेरे को। ठीक है ठीक है। क्यों, क्या हुआ बॉस? आयुब से मिलना है। क्या है? बॉस उधर चलो, बॉस बुला रहे हैं तुम्हें, चलो। इसे मारने के लिए इतना तामझाम? ये लो चाय पियो। रहने दीजिए सर। कोई बात नहीं, पी लो। मुझे पता है मेरे बेटे के खून से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन जहां खून हुआ उस जगह पर तुम्हारी बाइक कैसे पहुंची और वहां पर क्या हुआ सब कुछ मुझे डिटेल में बताओ। उस खून से मेरा कोई लेना देना नहीं है सर। मैंने उसी दिन आपके पुलिस को यह बता दिया था सर, लेकिन मुझ पर किसी ने यकीन नहीं किया। मुझे पता था सर सच पता चलेगा और मैं जरूर बाहर आकर रहूंगा, इसलिए इतना कॉन्फिडेंट था सर। जो भी क्राइम करता है वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं रहता सर। इसमें कोई लॉजिक काम नहीं करता। क्राइम करने वाला तुमसे भी ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता है। वो खून कैसे हुआ उसके बारे में डिटेल में बताओ, उसके अलावा और कुछ नहीं। उस दिन मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे फोन किया था, मुझे मिलने के लिए बुलाया था उसने। उसी वक्त
मैं अपनी फ्रेंड की बाइक लेकर जा रहा था तभी। सर 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 इमरजेंसी है सर, आगे छोड़ दीजिए प्लीज। आ जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। वहां जेल में तुम्हारे ऊपर अटैक क्यों हुआ था? उन तीन क्रिमिनल्स में से एक आदमी पेपर सीना से उस दिन मिलने आया था। मैंने उसे पहचान लिया, पुलिस को बताने के बारे में सोचा तो उतने में वो मेरे हाथों से भाग गया, इसलिए उस पेपर सीना ने मुझ पर अटैक करवाया सर। तो उन तीनों लड़कों को तुम पहचान लोगे? जेल में जिसे देखा ना सर, उसे मैं पहचान लूंगा। मतलब वो पेपर गैंग वाला ही है, जरूर वो केजीएफ का आदमी है। सीना को कस्टडी में लेकर पूछताछ करके देखते हैं। मैंने आपको सब कुछ बता दिया तो अभी मैं घर जाऊं? इसका केस कोर्ट में चल रहा है और इसके चेहरे पर कोई डर ही नहीं है सर। इसमें अगर डर होता तो हम क्रिमिनल्स को इतनी आसानी से नहीं ढूंढ पाते। हम पक्का तुम्हें तुम्हारे घर भेज देंगे। थैंक यू सर। डोंट वरी, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है सर। मुझे पता है मैं छूट जाऊंगा, लेकिन मेरे मम्मी पापा वो बेचारे मेरे घर जाने तक वो चैन की नींद नहीं सोएंगे। बेटे को खोने का दर्द क्या होता है मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन इस केस में तुम्हें मेरी पूरी मदद करनी होगी। जरूर मदद करूंगा सर। हाँ डॉक्टर जी। सर कैसी है इनकी तबीयत? फिलहाल तो कुछ कह नहीं सकता सर, जैसा भी होगा आपको फोन कर दूंगा मैं। थैंक यू। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। सर पेपर सीना जेल में जिन जिन आदमियों से मिला है उन सबका फुटेज है इसमें। लगाओ सीडी। ओके सर। और एक बार चेक करना उमेश। ओके सर। कोई शक नहीं, मर्डर करके जेल में आकर बात करने की हिम्मत सिर्फ केजीएफ गैंग मेंबर्स में ही है। ये सारे कितने बड़े पागल हैं ये तुम्हें पता ही है। हे, ये सीना के साथ बात करने वाला लड़का कौन है? फेस बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। कम ऑन, इस लड़के के डिटेल सबसे पहले कलेक्ट करो। ओके ओके सर। सबको क्लियर करो। यस सर। निकलो यहाँ से। एए, चलो 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 निकलो, जाओ यहाँ से। बार का ओनर कौन है? मैं ही हूँ सर। क्यों क्या हुआ? लाइसेंस है हमारे पास सर। हमें तेरा लाइसेंस नहीं चाहिए। कुमार कहाँ है? कुमार दो दिन से काम पर नहीं आया है सर। घर कहाँ है उसका? उसका घर वर कुछ नहीं है सर, ऊपर रूम में सोता है वो। उसका मोबाइल नंबर क्या है? 9883-1255 सर। दो दिन से नॉट रीचेबल आ रहा है सर। वो चाहे कहीं भी छुपा हो उसे ढूंढ लेंगे हम। क्या हुआ सर, ऐसे क्यों देख रहे हैं? भाई कुमार ने क्या लफड़ा किया है? अरे उसने कुछ भी किया तुझे क्या करना है, काम देख अपना। अरे भाई पुलिस वाले को देख के सारे ग्राहक बिना बिल दिए ही चले गए भाई। अरे यार क्या है सर, उस लड़के की सारी डिटेल्स हमने कलेक्ट की है। वो बार में काम करता है सर, उसका नाम कुमार है, वही बार में रहता है सर। उसके फोन कॉल की डिटेल्स हमें मिल गई है सर। गुड, ये लीजिए सर। नमस्कार।
नमस्कार। ये क्या अचानक आ गए आप? बस ऐसे ही। आइए बैठिए। मैं यहाँ तुम्हारी बेटी से कुछ बात करने आया। ओहो सोना, कॉफी लेकर क्या हो? ओहो तुम्हारी बेटी को कॉफी बनाना भी आता है? आती है अंकल। गुड। बाय द वे, तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँचा है? कोई क्लू मिला क्या? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लू मिला है। ओह इस पूरे कांड के पीछे एक लड़की का हाथ है ऐसा पता चला है। आई सी। लड़कियां इतनी लेवल तक पहुंच गई हैं? आजकल की लड़कियां किसी भी लेवल तक जा सकती हैं। ओ है ना सोना? आई डोंट नो अंकल। सोना तुम कुमार को जानती हो ना? प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप? डैडी मेरी बेटी को क्यों मार रहे हैं? इस कांड के पीछे एक लड़की का हाथ है, मैंने कहा था ना, वो कोई और नहीं तुम्हारी बेटी सोना है। सोना क्या बोल रहे हो प्रभु? ये ऐसा काम क्यों करेगी? इससे पूछने के बाद ही तो आपके बेटे के साथ इसकी सगाई की थी। यही तो हम सब लोग इससे पूछ रहे हैं। आपका बेटा मुझे पसंद नहीं है, ऐसा एक बार कह देती तो मैं उसके लिए दूसरा रिश्ता देख लेता। तुम्हारी इस हंसी के पीछे, तुम्हारे इस रूप के पीछे इतनी क्रूरता भरी है, मैंने नहीं सोचा था। अंकल आपका बेटा मुझे पसंद नहीं है, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, ऐसा एक बार भी मुझसे कह देती तो मैं खुद खड़ा होकर तुम्हारी शादी करवा देता। लेकिन तुम्हारा प्यार नहीं है, वासना है। तुमने अपनी इस वासना के लिए मेरे बेटे की बलि चढ़ा दी। बोलो कहाँ है तुम्हारा वो कुमार? वो कहाँ है बताओ तुम, नहीं तो मैं तेरा खून कर दूंगा। hey, अपने फोन से उसका नंबर डायल करो, कहाँ है पूछो उसे। मम्मी ये जैसा कह रहे हैं वैसा कर, करो कर फोन। तूने फिर से फोन क्यों किया? मैंने कहा था ना कि फोन मत करना। हेलो कुमार कहाँ हो? क्या मतलब? किसने कहा मेरा पता पूछने को? तेरे आजू बाजू में पुलिस है क्या? मुझे जेल में भेजेगी तू? बोल दे उसको, पार कुमार को जेल में डालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। फोन रख तेरी तो बेवकूफ। खुद देख लिया ना। क्यों रे बार बार कुमार? hey, रुक, पकड़ो उसे। hey, सोना के साथ तेरा कितने सालों से अफेयर चल रहा है? 2 साल से लफड़ा चल रहा है उस चुड़ैल के साथ। सब कुछ ठीक चलता रहा तब तक मेनका, और अभी वो चुड़ैल बन गई है? सर अपन कितनी बार उसको बोला कि रिश्ता खत्म कर दे, एंगेजमेंट के पहले वो हाथ काट के आके बोली कि शादी को कैसे भी रुकवा दे। तो फिर मर्डर करवा देगा तू? सर ये अपन का नहीं पेपर सीना का प्लान था सर, इसके पीछे उसकी पर्सनल दुश्मनी थी सर। सर मेरे को मेरी माँ की कसम सर, अपन को कुछ नहीं पता था सर, वो लोग पेपर सीना के आदमी थे, अपन का उनसे कोई लिंक नहीं था सर। पेपर सीना को होश आ गया है सर। ओ बाबा। नमस्कार सर। कहाँ जा रहे हो? सिगरेट है क्या?
यहाँ नहीं पी सकते, अंदर जाओ। बाहर जाकर पी के आऊंगा ना, दे दो। तेरे को बाहर छोड़ा तो सर हमें डांटेंगे, अंदर जाओ। कुछ जाओ नहीं बोलेंगे, दो ना यार। बुड्ढा भी दे ना यार, बॉडी दर्द कर रही है। माचिस चाहिए क्या? ज्यादा देर तक बाहर मत रहना, चुपचाप अंदर आ जाओ। ये यहाँ पर ए पागल लोगो, तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या हालत हो गई है तेरी? हाथ पैर सब टूट गए हैं। एक अच्छे गुंडे का साथ मिलेगा ऐसा सोचा था, मुझे तो हल्के फुल्के लोगों का साथ मिला। पागल थे कमीने वो, इतने लोग मिलकर एक को नहीं मार पाए। वो एकदम कमीना है, उसने मेरा चेहरा देख लिया, उसका कुछ तो करना पड़ेगा। उसकी तो हमें कोई टच नहीं कर पाएगा। वो प्रभु सीरियसली तुम्हें ढूंढ रहा है, मिल गए तो एनकाउंटर करेगा, इसलिए सरेंडर कर दो, बाद में देख लेंगे। क्या यार, ये हमें सरेंडर करने के लिए कह रहा है? इसकी तो सीना। अगर उस लड़के को छोड़ दे तो हमें पहचानने वाला सिर्फ ये पेपर सीना ही है। पहले से आधी बॉडी स्क्रैप हो चुकी है, इसे भी उठा लिया तो। ए पागलो, क्या कह रहे हो तुम लोग? गुस्सा थूक दे सीना, अब तेरा सब कुछ मैं संभाल लूंगा। साइड हटिए। पेपर सीना, शिट! जो वार्ड के अंदर था वो बाहर कैसे आ गया? सिगरेट पीने के लिए बाहर आया था सर। तो उसे अकेला छोड़ दोगे क्या? इडियट्स, इतनी भी अकल नहीं है क्या? तुझसे कहा था ना मैंने, उस लड़के से शादी कर और आराम से रह। तुझे उससे ही शादी करनी चाहिए थी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, मुझे उससे ही शादी करनी चाहिए थी, लेकिन मैं बेवकूफ हूँ, तेरे जैसे पागल के साथ प्यार किया। पागल किसको बोल रही है तू? तेरी वजह से मैं अंदर हो गया हूँ तेरी तो। कमीने गुंडे, कहीं कैद में तुझे छोड़ूंगी नहीं, मुझे मारेगा तू, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, जान से मार दूंगा तुझे। बस यही आ जा। कोई देख नहीं रहा है। एक मिनट देखता हूँ। मालूम था ये इतनी खुशी क्यों मना रही है? देखता हूँ। सुनिए जी, ये सब आप क्या कर रहे हैं? कैसे भाग कर आएंगे? अरे माँ, ये क्या कर रहे हैं? संभल के पापा। अरे क्या हो गया ये? मेरा बेटा आ गया। आ जाओ सब लोग, स्वागत में आ जाओ। क्या है ये सब? मेरा बेटा आ गया। ये पटाखे क्यों फोड़ रहे हैं? तुम्हें पता नहीं है, जब पुलिस आई थी मेरे बेटे को ले जा रही थी तो सब खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। आज जब ये वापस आया है तो खड़े होकर देखो इसको, ये वापस आ गया है। पता है तुम सबको, कोर्ट ने मेरे बेटे को निर्दोष छोड़ा है। मेरा बेटा निर्दोष है, कुछ नहीं किया इसने। मैं कहता था ना कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है, छूट जाएगा, कुछ नहीं किया इसने। मेरा बेटा निर्दोष है, तुम सब भी सुन लो, मेरा बेटा निर्दोष है, बिल्कुल निर्दोष।
हम लोगों ने ढाबे में देखा भाई। भाई वो प्रभु का टीम उस लड़के को लेकर सभी जगहों पे हमें ढूंढ रहा है। अगर हम मिल गए तो मार देंगे वो लोग। उसे अगर हम लोग ही मार देंगे तो सर, मैं केजीएफ गैंग को फॉलो कर रहा हूं सर। गुड, अभी रिंग रोड पे हूं। फॉलो करते रहो। सर मैं फॉलो कर रहा हूं, आप कहां पर हो? उधर ही हूं। गाड़ी यहीं पर गिरी है, वो अंदर गया होगा। चलिए चलते हैं सर। अनूप, सर तुम्हें अकेला कहीं नहीं जाना है। सर तुम हमारे साथ रहोगे। उन्होंने पर्पसफुली हमें यहाँ पर बुलाया है। किसी भी मोमेंट पे कहीं से भी वो हम पर अटैक कर सकते हैं। ऑफिसर्स, सर बी अलर्ट, सारे ब्लॉक्स कवर कर लेना। यस सर। अगर हाथ लगे तो काट कर फेंक देना। ओके सर। मंजू क्या हुआ तुम्हें? मंजू आके खोलो। मंजू, ओह माय गॉड, बदमाश। हे कम ऑन, महेश
Yep. ये अकेला बचा है, छोड़ दो क्या? छोड़ना मत उसे, उसे मत छोड़ना। ऐसा है तो तू उसे मार दे, मैं इसे नहीं मारूंगा। नहीं कर सकता ना, नहीं कर सकता ना, नहीं मारेगा ना, तू नहीं मारेगा। नहीं, छोड़ना मत उसे। नहीं, इंसानियत नहीं है तुझमें। ये मेरी हार है यार, ये मेरे दिल से जुड़े हुए ऑफिसर्स थे। सकल दुताय कर्म वीराय विश्व रूपाय सूर संहार अग्नि केत्राय शत्रु संहार जय। सुद्धाय कर्म वीराय विश्व रूपाय सूर संहार अग्नि केत्राय शत्रु संहार जय। नहीं, छोटा नहीं, छोटा नहीं। प्लीज, प्लीज, ऐसे क्यों कर रखे हो?
गिरा दो। उस पर रहम करने की कोई जरूरत नहीं है। गिरा दो उसे। नहीं, गिरा दो। नहीं, गिराना नहीं। गिरा दो उसे नीचे। प्लीज, मेरी बात करो। नीचे ना। मुझे मरना नहीं। इन दोनों अक्यूज सोना और कुमार को आरोपी घोषित करते हुए आईपीसी सेक्शन 308 के तहत उम्र कैद की सजा दी जा रही है।